हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPRTOU के प्रीवियस ईयर पेपर की, जो कि आपके मैथ्स के लिए होने वाला है। तो गाइस, अगर आप परस्यू कर रहे हैं UPRTOU से भी कोई भी कोर्स, BSc, BA या फिर ME, और आपका कोर्स का टाइटल है मैथ्स के अंदर रियल एनालिसिस, देन ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके अलावा अगर आप BSc भी परस्यू कर रहे हैं तो किस पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, कितने पेजेस होते हैं, ये सब इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर्स लाने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो गाइस, बात करी जाए BSc की, फिलहाल BSc का, UGSC का यानी कि क्वेश्चन पेपर है। अगर आप BA भी करें तो यही फॉर्मेट उसका रहेगा। तो ये रियल एनालिसिस का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आपको जो थ्योरिकल टाइम दिया जाता था थ्योरी कंप्लीट करने के लिए, वो 3 आवर्स का दिया जाता था, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 होते हैं। फिलहाल भी सेम पैटर्न है अभी भी, और ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं सेक्शन ए से, 1 क्वेश्चन सेक्शन बी से, और 2 क्वेश्चंस आपको सेक्शन सी में से अटैम्प करने होते हैं। हर क्वेश्चन के मार्क्स उनके सामने लिखे हुए हैं, यहाँ पर आपको चॉइसेस भी देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था सेक्शन ए का, जो कि 8 मार्क्स के लिए आपसे पूछा गया था। मैथ्स में कोई वर्ड लिमिट नहीं है, वरना 8 मार्क्स के लिए आपको 2 to 3 pages आप इसमें लिख सकते हैं। अदरवाइज मैथ्स के लिए तो आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था, प्रूव दैट एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ R इज अ क्लोज्ड सेट। ठीक है, ये प्रूफ का क्वेश्चन था, और हिंदी में भी आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फिमम इफ दे एग्जिस्ट ऑफ द सेट्स, के लघुत्तम उपरिबद्ध एवं महत्तम निम्नबद्ध यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। ये भी आपसे 8 मार्क्स के लिए, यानी कि 1 क्वेश्चन था, टोटल 16 मार्क्स के, इसके अंदर 2 पार्ट दिए हुए थे, ये आपको अटेम्प्ट करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था, प्रूव दैट बिटवीन एनी 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एक्सिस्ट एटलीस्ट 1 रेशनल नंबर, सिद्ध कीजिए कि इन्हें 2 भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याओं के बीच कम से कम 1 परिमेय संख्या होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रूव दैट फंक्शन fx इक्वल टू दिस एंड f नॉट इक्वल टू इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0, फॉलोइंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिया गया था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया था, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सिक्वेंसेस बाउंडेड। गाइस, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रियलिटी मानिए, क्योंकि UPSC में काफ़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। देन क्वेश्चन पूछा गया था, वेरीफाई लैंग्वेज मीन्स वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इफ ए एंड बी आर द सबसेट्स ऑफ आर देन प्रूव दैट इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए डैश एंड ए इंटरसेक्शन इज अ सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन। देन आगे क्वेश्चंस की बात करी जाए तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन था, ये अभी आगे अभी और कंटिन्यू है, वेयर ए डैश एंड बी डैश आर ड्राइव सेट्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। देन आपसे टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट आपसे प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = this and f(0) = 0 इज कंटिन्यूस एज x = 0 बट नॉट डिफ्रेंशिएबल एट दैट पॉइंट। यहाँ पर आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका रहता है। 16 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं, उसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पर, जो कि आपका मिड लाइन क्वेश्चंस के लिए रहता है। यहाँ पर 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा होता है। मैथ्स के अंदर फिर से रिपीट करूँगी, वर्ड लिमिट कोई ऐसी नहीं होती, बट यहाँ पर अगर 10 मार्क्स के लिए आपसे पैटर्न क्वेश्चन पूछा है, देन आपको उसका आंसर 3 to 4 pages में लिखना चाहिए। वो 16 मार्क का था, तो टोटल 5 to 6 pages में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, स्टेट एंड प्रूव कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। इन दो क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था। ये सीरीज आपकी यहाँ पर कंप्लीट हुई। देन प्रूव दैट आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से आपके 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। 6 मार्क्स का आंसर लिखने के लिए आप इसमें 1 to 1.5 या फिर 2 पेजेस के अंदर इसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था वो था, प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज लिमिट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 ओपन सेट्स इन R इज एन ओपन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज दिस। सो गाइस, ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन पेपर, जो 70 मार्क्स के लिए था, UPRTOU का ऑफिशियल पेपर था। आपके लाने के लिए बहुत मेहनत करी गई, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल पर बनी रहिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। UPRTOU से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। बाय बाय।